नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है वोल्केनोज, यानी कि ज्वालामुखी। ए वोल्केनो इज ए वेंट और फिशर इन द अर्थ क्रस्ट थ्रोग विच हॉट लावा एंड वोल्केनिक गैसेज आर थ्रोन आउट। वोल्केनिक इरप्शन में भी आइदर एक्सप्लोजिव और क्वाइट, यानी ज्वालामुखी उद्गार क्वाइट भी हो सकता है और एक्सप्लोजिव टाइप का भी हो सकता है। The Earth's upper mantle, asthenosphere, under the crust is nearly in molten state. Magma originates generally at this depth. They migrate upwards, often along faults. In a volcano, the magma rises through a chimney-like opening called vent, and the reaches surface as लावा। एट द सरफेस प्रेशर इन द राइजिंग मैग्मा फॉल्स, एज ए रिजल्ट डिजोल्ड गैसेज आर सेपरेटेड आउट, सच ए मैग्मा इज कॉल्ड लावा। इन एडिशन टू एमिशन ऑफ गैसेज एंड मोल्टन लावाज, वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ फ्रेगमेंटल मेटेरियल्स पायरोक्लास्ट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग volcanic eruptions. This material accumulates around the vent. Conical hill-like masses formed in this way are called volcanic cones. Volcanoes often have side vents as well. The smaller cones formed around these side vents आर कॉल्ड पैरासिटिक कॉन्स। ए सर्कुलर डिप्रेशन फाउंड एट द टॉप ऑफ वोल्केनिक कॉन इज कॉल्ड क्रेटर। ए ग्रेटली एनलार्ज्ड क्रेटर इज कॉल्ड कॉल्डेरा। ए कॉल्डेरा इज ए जाइगेंटिक डिप्रेशन द डायमीटर ऑफ विच मे बी 16 किलोमीटर और मोर। मोस्ट ऑफ द कॉल्डेराज मे हैव रिजल्टेड आइदर ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ समिट ऑफ वोल्केनिक कॉन बाय एक्सप्लोजिव एक्शन और इट मे बी ड्यू टू सब्सिडेंस। द सब्सिडेंस इज कॉज्ड व्हेन द मैग्मा चेंबर लाइंग बिलो द वोल्केनो इज पार्शियली एम्प्टी ड्यूरिंग इरप्शन एंड द वोल्केनो देन सिंक्स इनटू वॉइड। ज्वालामुखी के बारे में साधारण विचार इस प्रकार से है, प्रकृति के विनाश लीलाओं में ज्वालामुखी एवं भूकंप मुख्यतः हैं। ज्वालामुखी भूधरातल पर वह छिद्र या दरार है जिससे प्रज्वलित गैस, तरल लावा, सेलखंड आदि विस्फोट के साथ फूट पड़ते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखी उद्भव या वोल्केनिज्म कहा जाता है। ज्वालामुखियों का उद्गार मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जब लावा एवं अन्य ज्वालामुखी पदार्थ लंबे विद्रोह से होकर धरातल पर उत्सर्जित होते हैं तो इस प्रकार की शांत ज्वालामुखी क्रिया को विद्री उद्गार कहा जाता है। इसके विपरीत यदि ज्वालामुखी उद्गार विस्फोट के साथ शंकु रूपी पर्वतों के केंद्रीय मुख से हो तो वह केंद्रीय उद्गार कहलाता है। विस्फोट की तीव्रता उद्गार के प्रकार एवं अन्य स्थितियों पर निर्भर है। सन 1879 में घटित इटली का विसुवियस उद्गार तथा 1883 में हिंदेशिया में हुआ क्रोकोटोवा ज्वालामुखी उद्गार भीषण विस्फोट के उदाहरण है। क्रोकोटोवा ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता लगभग 5000 मेगाटन उज्जैन बम के विस्फोट के बराबर थी। अधिकांश ज्वालामुखी केंद्रीय प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी शंकु रूपी होते हैं।
ज्वालामुखी पदार्थ एक नलिका से होकर बाहर आते हैं। इस नलिका को ज्वालामुखी नाल कहते हैं। कभी कभी प्रमुख नाल अन्य छोटे नालों में विभक्त होती है। नाल से बाहर आया तरल एवं ठोस पदार्थ उसके चारों ओर एकत्र होने लगता है। धीरे धीरे नाल के चारों ओर एक शंकु रूपी रचना निर्मित होती है। इसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। शंकुओं का आकार एवं आकृति उद्गार की प्रकृति अवधि और ज्वालामुखी पदार्थ की विशेषताओं पर निर्भर करती है। प्रमुख ज्वालामुखी नाल के ठीक ऊपर शंकु के शिखर पर एक गर्तिया क्रेटर होता है। ये गर्त ज्वालामुखी पदार्थों के उद्गार और विस्फोट के कारण निर्मित होते हैं। इन गर्तों का व्यास और गहराई उद्गार के प्रकार एवं विस्फोट की तीव्रता पर निर्भर है। प्रमुख नाल के समान शाखा नालों पर भी शंकु एवं विवर निर्मित होते हैं। शाखा नालों के शंकुओं को गौण शंकु, विवरों को द्वितीयक विवर तथा इन्हें पार्श्व ज्वालामुखी कहा जाता है। कभी कभी ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग अवतलन और भीषण विस्फोट के कारण ध्वस्त हो जाता है। इस प्रकार वृहत विवरों का निर्माण होता है। इन विशाल विवरों का व्यास 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। इन्हें ज्वालामुखी कुंड यानी कि कालडेरा कहते हैं। जापान में होंगसू का बंडाई ज्वालामुखी का कुंड विस्फोट तथा हवाई द्वीप का माउंट किलाऊ ज्वालामुखी कुंड अवतलन के कारण निर्मित हुए हैं। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित ज्वालामुखियों की विशेषता उनमें शंकुओं की उपस्थिति है। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर शंकुओं के 3 प्रकार पहचाने जा सकते हैं। लावा के जमाव पर 2 डिग्री एवं 10 डिग्री ढाल वाले शंकु को लावा शंकु कहते हैं। यदि शंकु का निर्माण लावा एवं अन्य पदार्थों के संचय पर हो और ढाल अधिक हो तो ऐसे शंकु को मिश्र शंकु यानी कि कंपोजिट कोन कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी शंकु केवल क्षिप्त पदार्थों के संचय पर भी निर्मित होते हैं। इस प्रकार के शंकु छोटे होते हैं और इन्हें सिंडर शंकु कहते हैं। यदि उद्गार जल के भीतर हो तो भिन्न रचना बनती है। 20% शांत ज्वालामुखियों का उद्गार समुद्र के अंतर्गत हुआ है। इनको सबमरीन वोल्केनोज कहा जाता है यानी अंतर समुद्री ज्वालामुखी ने कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हम देखेंगे। वोल्केनोज कॉमनली डू नॉट इरप्ट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। मोस्टली दे शो इंटरमिटेंट एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एक्टिविटी। वोल्केनोज आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। पहला है एक्टिव वोल्केनोज, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोज, तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। पहला है एक्टिव वोल्केनोज। एन एक्टिव वोल्केनो इज वन विच इरप्ट्स वेरी ऑफन। दे मोस्टली अकर एट क्रस्टल प्लेट बाउंड्रीज। दी वोल्केनोज दैट अकर अलोंग ए ग्रेट आर्क अराउंड द पेशियन पैसिफिक ओशन फ्रॉम चिली टू ईस्ट इंडीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। दूसरे प्रकार का आता है डोरमेंट वोल्केनो। द वोल्केनोज विच शो इरप्शन आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनोज।
ड्यूरिंग डोरमेंट पीरियड दे अपियर क्वाइट इनएक्टिव। इसके पश्चात आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एन एंशियंट वोल्केनो विच हैज़ नॉट शो एनी वोल्केनिक एक्टिविटी सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसके पश्चात हम देखेंगे वोल्केनिक प्रोडक्ट्स यानी कि ज्वालामुखी उत्पाद। ज्वालामुखी में तीन प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं, गैस, तरल एवं ठोस। भार के अनुसार कुल उद्गीर्ण पदार्थों का 1% गैसीय पदार्थों का होता है। इनमें से 90% तो वाष्प होती है। इसके अतिरिक्त CO2, नाइट्रोजन, SO2 इत्यादि मुख्य हैं। अल्प मात्रा में H2S, NH3, HCl, HF, O, बोरिक अम्ल, लोहा, पोटेशियम इत्यादि के वाष्पशील क्लोराइड होते हैं। इनका तापक्रम लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। विस्फोट लावा के प्रवाह, उद्गार की प्रकृति, गैसों की मात्रा एवं उनके ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। अतः गैसीय पदार्थ ज्वालामुखी उत्पाद के महत्वपूर्ण अंग हैं। भूगर्भ में उपस्थित द्रवीभूत शैल मैग्मा ज्वालामुखी नाल से होकर धरातल पर फैलने लगता है। सतह में दाब कम होने के कारण उसमें उपस्थित गैस एवं वाष्प निकल जाते हैं। भूसतह में प्रवाहित होने वाला द्रवीभूत शैल पदार्थ लावा कहलाता है। लावा ज्वालामुखी उत्पाद के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवयव है। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा तीन प्रकार के होते हैं, पहला अधिसिलिक, दूसरा अल्पसिलिक ओम मध्य सिलिक। अधिसिलिक, अल्पसिलिक एवं मध्य सिलिक। अधिसिलिक लावा की तुलना में अल्पसिलिक लावा की श्यानता कम होती है, अतः वह अधिक तरल होता है और अधिक गति से दूर दूर क्षेत्रों में फैल जाता है। उद्गार और प्रवाह के पश्चात शीतलन और संपीड़न पर लावा स्तरों की उत्पत्ति होती है। लावा स्तरों का विस्तार, मोटाई तथा संरचनाएं, उद्गार की प्रकृति, लावा की शांतता एवं संगठन, उद्गार के समय की स्थलाकृति इत्यादि पर निर्भर करता है। शीतलन पर लावा की ऊपरी सतह पर ठोस पपड़ी बन जाती है, नीचे लावा द्रव स्थिति में रह जाता है। इस स्थिति में तरल लावा से निकलते गैसीय पदार्थों के प्रभाव में पपड़ी विखंडित हो जाती है। इस प्रकार के लावा को ब्लॉक लावा या आ लावा कहते हैं। अधिक ढाल होने पर ठोस पपड़ी के नीचे का द्रव ढाल के निचले छोर पर बहने लगता है। इस प्रकार सुरंग जैसा आकार निर्मित हो जाता है। कुछ मीटर से कई किलोमीटर तक की लंबाई तथा 5 से 15 मीटर तक के व्यास वाले सुरंग जैसे आकार को लावा सुरंग कहा जाता है। जब बेसाल्टी लावा मंद गति से बहता है तो उसमें रस्सी जैसी ऐठन या बल पड़ जाते हैं। इस संरचना को रज्जुक लावा या रोपी लावा या पाहोई होई लावा कहा जाता है। अंतरजलीय उद्गार होने पर लावा के द्रुत शीतलन एवं संपीड़न के कारण तकिए के आकार के दीर्घवृत्तीय पिंड बन जाते हैं। इन्हें शिरोदान लावा, पिलो लावा कहा जाता है। आंशिक रूप से ठंडे बेसाल्टी लावा के निपात या आंकुंचन के कारण स्तूपाकार आकृतियां बन जाती है। इन्हें लावा स्तूप या टुमुली कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा पिंड, नाल में संपीड़ित पदार्थ तथा नाल के पार्श्व का पदार्थ खंडित हो वेग से कई किलोमीटर ऊपर तक उछलकर पुनः पार्श्ववर्ती क्षेत्र में एकत्र हो जाता है। ये पदार्थ विभिन्न साइज के हो सकते हैं, ये पाइरोक्लास्टी या ज्वालामुखी क्षिप्त पदार्थ कहा जाता है। साइज के आधार पर इन क्षिप्त खंडों को कई नाम दिए गए हैं। प्रमुख नाम एवं उनकी साइज इस प्रकार से है। सिंडर, भस्म या राग, इसकी साइज 0.001 से लेस कम होती है मिलीमीटर में। दूसरा है डस्ट, इसकी साइज 0.001 से 1
तीसरा है बालू, इसकी साइज है 1 से 4 मिलीमीटर। चौथा है लेपिलिन, इसकी साइज है 4 से 32 मिलीमीटर। फिर है ब्लॉक, इसकी 32 से अधिक है। फिर आते हैं ज्वालामुखी बोम, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और 25 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले खंड होते हैं। ज्वालामुखी राख एवं धूल के संघनन से ज्वालामुखी टफ और ज्वालामुखी सिंडर एवं अन्य कोणीय ज्वालामुखी क्षिप्त के संघनित रूप को ज्वालामुखी संकोणाश में यानी वोल्केनिक ब्रेशिया कहा जाता है। छिद्रयुक्त लावा सेल को स्कोरिया और लावा के झाग को झावा कहा जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।